स्टे हम्बल स्टे ड्रिवन फोकस ऑन योर गोल्स टेक एक्शन एवरी डे वन लाइफ मेक द मोस्ट ऑफ इट टूडे इज सेवेंथ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी लेट एस है क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर हैं ये घुमुरा डांस है एक और डांस होता है जिसका नाम है घूमर घूमर होता है राजस्थान में दिस इज घुमूरा डांस इंडियन फोक डांस है दिस बिलोंग्स टू कालाहांडी, उड़ीसा। बायसन राजबारी नेशनल पार्क त्रिपुरा में है डबलिन कैपिटल है आयरलैंड ब्रेग्जिट विवेकानंद सेतु बिल्ट है हुगली रिवर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखा था यू आर यूनिक स्केल न्यू हाइट्स योर थॉट्स एंड एक्शंस गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिलते हैं मोशन पिक्चर एंड टीवी के लिए सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस आज के सवाल है राजा जी नेशनल पार्क इज बेस्ड इन विच स्टेट किस राज्य में ये राजा जी नेशनल पार्क है आर्किटेक्चुरल वर्क ऑफ ली कार्बोजियर इज मोस्टली इन विच सिटी किस शहर में इनका काम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वॉट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश वॉट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंसड बाय अ बॉडी वेन इट इज इमर्ज इन अ फ्लूड नोन एज जब जैसे शिप फ्लोट हो रही है ये फ्लोट किस फिजिक्स कॉन्सेप्ट के अंडर हो रही है यू हैव टू टेल द कॉन्सेप्ट कौन सा फोर्स ऐसे अपवर्ड लगता है जिसके कारण दिस बॉडी फ्लो होती है वॉट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई ह्यूमन आई सब तो डिटेक्ट कर नहीं पाती है एक पार्ट है उसको डिटेक्ट करती है इस पार्ट का नाम क्या है विच आई डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखता है बट दूर का नहीं दिखता है इसका नाम क्या है आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे वोकेबुलरी है फुट द बिल फुट द बिल का मतलब होता है जो भी खर्चा आ रहा है उसका पेमेंट कौन करेगा कोविड वैक्सीनेशन पे द बिल फॉर समथिंग टिपिकली वेन द अमाउंट इज कंसिडर्ड लार्ज और अनरीजनेबल तो हु विल फुट द बिल सेंग्वाइन सेंग्वाइन वो होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं पॉजिटिव होते हैं इवन डिफिकल्ट सिचुएशन में लीडरशिप के लिए दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी टेनुअस मतलब होता है वो बहुत फिल्मी है वीक है स्लाइट आर्ग्यूमेंट है टेनुअस ट्रैक है वो टेंटा माउंट टेंटा माउंट मतलब एज गुड एज या फिर इक्वल सेम एज इक्वीवेंट इन सीरियसनेस टू वर्चुअली द सेम एज गैग ऑर्डर गैग ऑर्डर अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं जब गवर्नमेंट या जुडिशरी कोई ऑर्डर पास करती है कि ये इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए रूलिंग बारिंग पब्लिक डिस्कलोजर और डिस्कशन ऑन समथिंग सो दैट वुड बी कॉल्ड दिस इज अ गैग ऑर्डर सो ये वॉकेबुलरी है जो आगे हम इस न्यूज पेपर में पढ़ने वाले हैं इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड फील फ्री एंड राइट डाउन दैट वर्ड इन इट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग सो दिस इज द वॉकैबुलरी अब आज हम पढ़ेंगे मेघालय विलेज टर्नज एंड ओआसेस इन कोल्ड माइन डेजर्ट ये कल की न्यूज का कॉन्टिन्यूएशन है रेट होल्ड माइनिंग दिस इज एस आई आई कोविशील्ड पुणे ये बड़ा अच्छा आज हम देखेंगे न्यूज टैंपलेट बनाने का क्या फ़ायदा होता है एलिफेंट कॉरिडोर एन जी टी देन दिस इज स्टैंड अप फॉर ऑल राइट्स वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कल्चर एंड पीस टेनुअस टैक मिराज मिराज सोल्डर्स पेनेशिया फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ये क्या है हम्पी के मोन्यूमेंट्स हैं ये दिस इज गैलरी मेक पंजाब ग्रेट अगेन वेरी गुड आर्टिकल कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं और मैप में आज हम देखेंगे दिस इज भाषण चार जहां पे अभी रोहिंग्या एंड दिस आइलैंड इज इन न्यूज सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू फर्स्ट न्यूज है अबाउट दिस फार्मर प्रोटेस्ट भारत बंद कॉल गेनिंग स्ट्रेंथ सेकेंड न्यूज है मेघालय विलेज टर्न्स एंड वॉसिस इन कोल माइंड डेजर्ट डेजर्ट होता है डेजर्ट में पानी नहीं होता है तो डेजर्ट में ऐसा कुछ एरिया है जहां पे पानी अवेलेबिलिटी है तो वहां पे ग्रीनरी हो जाएगी तो उसको बोलते हैं ओवासिस इन अ डेजर्ट तो मेघालय में ये एक विलेज है जो बन गया ओवासिस इन कोल माइन डेजर्ट तो सब जगह कोल माइनिंग है कोल माइनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है चैलेंजेस हैं और ये जो विलेज है ये टर्न हो गया ओवासिस होप इस विलेज का नाम है मुलामिलिंग रिफॉर्म्स आफ्टर एन जी टी बैन ऑल राइट सो ये विलेजेस हैं ये प्लांट कर रहे हैं ग्रास इस विलेज में इन मेघालय में गोइंग ग्रीन ये न्यूज है दिस न्यूज इज इन कंटिन्यूएशन विद दिस रेट होल माइनिंग ये कल हमने देखा था ये रेट होल माइनिंग है ऐसे होल्स हैं बिकॉज यहाँ पे जो कोल सीम है वो बहुत नैरो है तो यहाँ ऐसे अंदर जाते हैं चार पाँच फीट के होते हैं कई बार बच्चों को अंदर ऐसे भेजा जाता है माइनिंग में और वहां से ये कोल डिग करके बाहर निकालते हैं ये बहुत रिस्की है और एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज करता है स्मॉल टनल्स होती है यहाँ पे 2014 में एनजीटी ने इसको अनसाइंटिफिक एंड अनसेफ को डिक्लेयर करते हुए बैन लगा दिया था यहाँ मेघालय में अराउंड 640 मिलियन टन कोल है तो दिस इज रेट होल माइनिंग बट द पॉइंट इज मेघालय के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है अभी क्लास ट्वेल्थ में जोग्राफी की जो सेकेंड बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी अभी हम पढ़ रहे हैं सेकेंड बुक है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिया है माइन्स मिनरल्स एट्सेट्रा विल हैव अ लुक अब ये जो रेड होल माइनिंग है ये टर्म यूज होता है दिस हजार्डस एंड आर्डुअस माइनिंग टेक्निक के लिए जहाँ पे माइनर्स क्रॉल करते हैं ऐसे क्रॉल करके अंदर जाते हैं अंडरग्राउंड टनल्स में जो केवल चार पाँच फीट इन डाया होती है एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल्ड फ्रॉम द डीप सीम विद अ पिक एक्स तो दिस इज अ वेरी रिस्की थिंग रिस्क इज वन थिंग ह्यूमन लाइफ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है दैट इज वन थिंग दूसरी चीज होती है कि ये बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड माइनिंग होती है अनरेगुलेटेड माइनिंग होती है तो इसके आउटकम्स क्या आएंगे स्ट्रीम्स यहाँ की एसिडिक हो रही है मेघालय सबसे ज्यादा रेनफॉल भी यहाँ पे होता है गारो खासी जयंतिया हिल्स है यहाँ पे और जो फार्मलैंड है वो कंटेमिनेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस अनरेगुलेटेड माइनिंग सो दैट इज वाई दिस इज नॉट एट ऑल गुड और वहाँ पे इस विलेज के लोग जो ये काम कर रहे हैं ये एक ओआसिस बन के सामने आया है ईस्ट जैंतिया हिल में रिजन लाइक अ प्रोवर्बियल फिनिक्स फिनिक्स क्या होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है बट फिर वो रिकवर भी करती है फिनिक्स एशेस से रिकवर होती है सो फिनिक्स की तरह ये रिकवर हुए हैं इसमें अब ये सवाल है जैसे यहाँ पे हमने पीपल पार्टिसिपेशन देखा ग्रास रूट डेमोक्रेसी देखा जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल फोर्टी है आर्टिकल फोर्टी क्या बोलता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में तो पीपल पार्टिसिपेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट गवर्नेंस ही नहीं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्रास रूट गवर्नेंस ग्रास रूट गवर्नेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट की है ऑल्सो हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉटम अप्रोच टॉप टू बॉटम नहीं बॉटम अप मतलब जमीन से जो डिसीजन आ रहे हैं डिमांड आ रही है गवर्नेंस की बातें आ रही है उससे हम ऊपर आगे बढ़ रहे हैं बॉटम अप्रोच सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे ऑल राइट सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्कोप ऑफ एनवाटल कंजर्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्रासरूट गवर्नेंस गवर्नेंस जैसे हम देखते हैं सैक्रेट ग्रूव एक नाम होता है सेक्रेट ग्रुप्स में भी क्या होता है कम्युनिटी आगे आती है और उस फॉरेस्ट पैचलैंड या फिर इकोलॉजी को कंजर्व करती है तो ये ग्रास रूट गवर्नेंस इज इम्पोर्टेंट यू कैन साइट दीज एग्जाम्पल्स तो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अब जो सेकेंड न्यूज है दैट इज अबाउट दिस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वॉल्टियर्स टेस्टिंग पॉजिटिव ड्यूरिंग ट्रायल ये एस आई आई है सीक्स नोट फॉर कोविशील्ड ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है जिसका नाम है कोविशील्ड अभी फाइजर को अप्रूवल मिला था इमरजेंसी यूज केसेस में अब एस पुणे ने भी इसके लिए अप्लाई कर दिया है किससे अप्लाई किया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से वैक्सीनेशन अप्रूवल के लिए पॉसिबली बाय द मंथ एंड ये वैक्सीनेशन का अप्रूवल भी मिल जाना चाहिए देन ये बात है कौन करेगा इस वैक्सीनेशन का कॉस्ट कॉस्ट जो आएगा उसका वहन कौन करेगा उसका पैसे कौन देगा सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ऑल नाउ ये सेकेंड पेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिपेयर हो रही है सेकेंड राउंड ऑफ ओपन बुक एग्जाम्स ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं ना सर्टेन केस में दे आर रियली गुड जैसे हम ये सवाल भी देख रहे हैं अब ये जो सवाल है इट इज़ काइंड ऑफ एन ओपन बुक एग्जाम ये सवाल आपके पास है आप किसी भी रिसोर्स को देखो किसी भी बुक को देखो इंटरनेट सर्च करो एंड देन फिर आप उसको रीड करके अपने शब्दों में ये लिख दो तो इससे क्या होता है क्रिएटिविटी आती है और एक्चुअल लर्निंग आती है रॉट लर्निंग नहीं होती है इसमें रोबोट्स नहीं बनते इंडिविजुअलिस्टिक जो चीज़ें होती है ग्रोथ होती है वो बेटर होती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्ड फॉर सेकेंड राउंड ऑफ ओपन बुक एग्जाम्स बट इस टाइम कुछ जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करने के लिए दे हैव प्रोवाइडेड सर्टेन मेजर्स लाइक ई नहीं होगा एक विंडो होगी पोर्टल होगा जहाँ पर आपको आपके आंसर्स हैंड रिटर्न आंसर्स अपलोड करने पड़ेंगे दिस इज़ द थिंग दिल्ली की ए क्यू वाई सेटल्स एट वेरी पुअर कैटेगरी और ये नॉर्थ ईस्ट है दिस इज़ द थिंग एन जी टी सी एक्शन प्लान ऑन एलिफेंट कॉरिडोर्स ये जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं या फिर कॉरिडोर्स इन जनरल जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था नॉर्थ में यहाँ पे इन्होंने रोड पे क्या किया ऊपर ऐसे हैंगिंग कॉरिडोर बना दिया ताकि जो रेप्टाइल्स हैं और ये चीज़ें रोड को क्रॉस नहीं करेंगे ये ऊपर ऐसे हैंगिंग जो झूला टाइप है इससे ये रोड को क्रॉस कर लेंगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉरिडोर अब एलिफेंट क्या होते हैं एलिफेंट तो ह्यूज एनिमल है एलिफेंट के लिए ऐसा कुछ हैंगिंग बना नहीं सकते हम एलिफेंट्स को भी एक वाइड टेरिटोरी की ज़रूरत होती है घूमने के लिए हैबिटेट के लिए बट जैसे हमने बीच में रोड निकाल दिया या बीच में रेलवे ट्रैक निकाल दिया अब एलिफेंट्स को इधर क्रॉस करना है इधर से ट्रेन आ गई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं प्रीशियस लाइफ लॉस होती है सो so, रिडोर जो हैं इनका प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट सेकेंड ह्यूमन हैबिटेशन सेटलमेंट एक्सपैंड हो रहा है हम इनके एरिया में एनक्रोच कर रहे हैं तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन राइस एनक्रोचमेंट हेडलेट टू ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट अब सी एलिफेंट हमारा फेवरेट टॉपिक है पिछले पाँच छः महीने में हमने इसको कॉन्टिन्यूसली देखा है अब ये चीजें क्या है ये हैं न्यूज टैंपलेट फॉर एग्जाम्पल आपको एलिफेंट कॉरिडोर का एक क्वेश्चन आया कहीं पे एक मौका लिखा मिला कि एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में कुछ लिखना है तो जैसे ओडिशा गवर्नमेंट ने इंश्योर किया स्ट्रेस फ्री माइग्रेशन होना चाहिए जम्बोज का इन द स्टेट तो दिस इज वन थिंग ये एक टैंपलेट हो गया अब जैसे हमने नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट को ये टैंपलेट देखा था जम्बो प्रॉब्लम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे बंबू सीड बॉल्स बना रहे हैं रेडी टू बी स्कैटर्ड इन रिजर्व फॉरेस्ट बंबू सीड बॉल्स तो इससे क्या होगा एडिकुएट बंबू विल जनरेट एंश्योर फूड होगा एलिफेंट को एलिफेंट को क्या होता है फूड शॉर्टेज होता है फूड शॉर्टेज होता है तो फिर वो ह्यूमन रेसिडेंट की तरफ बढ़ता है एलिफेंट स्ट्रे करता है ह्यूमन सेटलमेंट में द पॉइंट इज उनको फूड प्रोवाइड करें हम उनके हैबिटेट में तो उसके लिए ये ग्रीन शूट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो ये कितना अच्छा न्यूज टैंपलेट है इसको आप कहीं अपने आंसर में आप यूज करोगे ऑटोमेटिकली इट विल मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन आपको प्लस वन हो जाएगा मार्क दिस इज द वे जैसे ये बैम्बू शूट्स दिए थे विलेजेस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक तरीका ये था दूसरा एक तरीका ये था जैसे असम के जो विलेज हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया एक हैंगिंग एक लो सोलर पावर्ड का फेंस बनाया सोलर पावर्ड फेंसेज बनाया ऐसे गाँव पे जहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स आ जाते हैं एलिफेंट आ जाते हैं ऐसे फेंसिंग बना दी इसमें नाइन किलो वॉट का चार्ज लिया और ये नॉन लीथल है मतलब एलिफेंट को एक शॉक लगेगा बट जान को खतरा नहीं होगा माइल्ड शॉक मिलेगा तो ये भी एक इनोवेटिव तरीका है एलिफेंट को ह्यूमन पॉपुलेशन के तरफ आने से रोकने का तो ये न्यूज जैसे हमने फिफ्थ ऑफ मे को देखा था ये बोडो राज बोंगशी असमीज बेंगोली यहां पे इन्होंने नेशनल पार्क में मानस नेशनल पार्क के आसपास ये तरीका अपनाया सोलर पावर्ड फेंस अब आप ये भी अपने आंसर में लिख सकते हो एलिफेंट किल्स कैटल जैसे ये कौंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोर्थ ऑफ मे को देखा था ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है रीज़न क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट होने का एक तो एलिफेंट को भूख लगती है एलिफेंट को भूख लगती है और जो उसका हैबिटेट है वहाँ उसको खाना मिलता नहीं है तो वो ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ आ जाता है हमारे जो खेत होते हैं एग्रीकल्चर होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है क्रॉप रेडिंग होती है इंजरीज एंड डेथ होती है या तो एलिफेंट मरेगा या फिर ह्यूमन को इंजुरी होगी आइवरी एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है तो ये रीज़न है जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट होता है एशियन एलिफेंट स्टेट्स इन द वर्ल्ड तो ये हमने जैसे फोर्थ ऑफ मई को देखा अब जुलाई में एक केरला में केस आ गया था जहाँ पे फटाके के, के थ्रू एलिफेंट ने उसको ईट कर लिया और एलिफेंट डाइट तो ये एक पॉइनेंट पॉज था इसको भी आप कहीं पर यूज़ कर सकते हो एडिटोरियल बहुत अच्छा आया था कि द ट्रेजिक फ क्रीचर इज अ गैस्टली रिमाइंडर राइजिंग कॉन्फ्लिक बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स डेस्टाइन टू ग्रो है कमर्शियल प्रेशर ईट इन टू ऑलरेडी डिमिनिश है इज इनक्रीजिंग अली हमने ह्यूमन जोग्राफी का चैप्टर टू देखा ह्यूमन पॉपुलेशन सेवन पॉइंट एट थ्री बिलियन क्रॉस हो गई है huge in number. तो ये चीज बढ़ रही है कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है इंडिया में करीब तीस हजार एलिफेंट है बट एक सिस्टेमेटिक पॉलिसी होना जरूरी है ताकि हम इन एलिफेंट कॉरिडोर्स इनकी हैबिटेट को मेंटेन कर पाएं बिकॉज यू नो वाइल्ड एनिमल्स का भी ये प्लानट अर्थ उतना ही है जितना हम हम ह्यूमन्स का है सो वी नीड टू फाइंड अ इक्विलिब्रियम श्रिंकिंग रेंज हो रहा है अब इसमें आप माधव गाड़गिल कमेटी का नाम भी लिख सकते हो माधव गाड़गिल कमेटी ने कहा था एंटायर वेस्टर्न घाट साहब ने बहुत अच्छी कमेटी में रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी दी थी कस्तूरी रंजन एंड माधव गाड़गिल कमेटी में एंटायर वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बना दो डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है उसको स्टॉप करो तो दीज आर वेज सॉल्यूशंस में आप लिख सकते हो इन्हें कल्चर शिफ्ट हो प्रोटेक्ट रादर देन प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड जेन्यनली एनरिच पीपल और सेव करेगा बायोडाइवर्सिटी सो दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स अब इसके लिए जैसे देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर है एलिफेंट रिज़र्व नेशनल पार्क है इसको अपग्रेड किया गया एलिफेंट रिजर्व को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया वाई टू प्रोटेक्ट एक और इसमें एंगल लिख सकते हो आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में ईआईए 2020 के प्रोविजन आप एलिफेंट आइवरी का जैसे ये टस्कर्स हैं हैं ये ऐसे क्या करते हैं? इसकी स्मगलिंग करते हैं और इसमें एफ का क्या रोल होता है टस्क फ्रॉम स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये पेपर को दिस इज द वे न्यूज़पेपर को ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए ब्रॉडन होता है इससे सोचने का क्राइटेरिया इकोनॉमी सोशल इनोवेटिव आइडियाज और इससे आंसर क्या बनता है यूनिक आंसर बनता है योर अंडरस्टैंडिंग एंड दिस विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स एवरी टाइम ये स्ट्रैटेजी वर्क की है ओके okay? सो एक्शन प्लान ऑन एलिफेंट कॉरिडोर और एलिफेंट कॉरिडोर हैं हम प्रोवाइड करें स्ट्रेस फ्री माइग्रेशन टू जम्बोज एनजीटी का जो इंटरवेंशन है वो नेसेसरी लीगल एक्शन है एनक्रोचर्स पे जो वॉयलेट करते हैं और उनके एक्ट के नाम है आंसर में ना जहां भी मौका मिले पॉलिटी का एक आध आर्टिकल लिख देना चाहिए या फिर एक लॉ है उसका भी एंगल प्रोवाइड करना चाहिए इससे थोड़ी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है फॉर एक्साम्पल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन आप यूज करो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी प्रपोज कॉरिडोर में और एनजीटी का मैंडेट हमें पता ही है कल परसों हमने देखा था एनजीटी के बारे में सो दिस इज द वे एक हॉलिस्टिक वे में यू कैन प्रिपेयर योर आंसर एनजीटी सीक्स एक्शन प्लान ऑन एलिफेंट कॉरिडोर ओके सो दिस इज द इम्पोर्ट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एलिफेंट कॉरिडोर अब ये है एजुकेशन प्लस स्टैंड अप फॉर ऑल राइट्स ह्यूमन राइट्स डे है दिसंबर टेन को स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स शुड बी टॉट टू वैल्यू एंड अप्रिशिएट डायवर्सिटी वी नीड टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड स्टैंड अप फॉर ह्यूमन डिग्निटी एवरीवेयर इमेजिन करो एक वर्ड जिसमें हर पर्सन एक जैसा हो गया है तो वो वर्ड ना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगा वो वर्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा डायवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट डायवर्सिटी मतलब वी ऑल आर यूनिक और ये जो यूनिकनेस है डिफरेंसेस है दिस शुड बी सेलिब्रेटेड स्टैंड अप फॉर ऑल राइट्स ह्यूमन राइट्स डे फॉलिंग ऑन दिसंबर टेन है स्टूडेंट्स पे हम फोकस करें यंग जनरेशन पे फोकस करें बिकॉज यंग जनरेशन होती है ना वो अभी उनको शेप करना इजी होता है मोल्ड करना इजी होता है और जो पुराने हो जाते हैं फिर उनको कुछ नया सिखाना डिफिकल्टी हो जाती है सो यंग जनरेशन पे हमें फोकस करना चाहिए टॉट टू वैल्यू एंड एप्रीशिएट डाइवर्सिटी स्टैंड अप फॉर ह्यूमन डिग्निटी एवरी वेयर स्टूडेंट्स चैरिश करें अब ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स में आप ये बहुत ईजीली लिख सकते हो ह्यूमन राइट्स डे दिस दिसंबर टेन अभी इसको हम ट्विटर पर फॉलो करेंगे टेंथ ऑफ दिसंबर को देखना बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट्स आएंगे एंड ऑल इन्फोग्राफिक्स आएंगे इसको हम रीटवीट करेंगे एवलुक स्टूडेंट्स चेरिश करें इक्वेलिटी लिबर्टी ह्यूमन डिग्निटी और अवेयर हों अपने राइट्स के लिए भी हमें एम्पैथी डेवलप करना ज़रूरी है एम्पैथी टॉलरेंस होना चाहिए रेस्पेक्ट आना चाहिए फॉर द राइट्स ऑफ अदर आप चाहते हो लोग आपके लिए रेस्पेक्टफुल रहें यू ऑल्सो हैव टू बी रेस्पेक्टफुल विद अदर्स रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू वेरियस वायोलेशन इन टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन करिकुलम में ये चीज़ें लाना जरूरी है और इन स्मॉल प्लेसिज क्लोज टू होम सो क्लोज एंड सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन ऑन एनी मैप्स ऑफ द वर्ल्ड ट दे आर वर्ड ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन तो द पॉइंट इज ट्रू हीरोइज इज रिमार्केबली सोबर ट्रू हीरोइज का ये मतलब नहीं होता है बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं ट्रू हीरोइज्म का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल डीड्स हैं नेबर्स में फैमिली में एवरीवेयर अराउंड बट वे आर डूइंग दैट और ये स्मॉल स्मॉल चीजें मिलकर एक बड़ा चेंज लाती है ट्रू हीरोइज्मज रिमार्केबली सोबर तो स्कूल कॉलेजेस, फैक्ट्री फार्म ऑफिस जहां हम वर्क कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग में वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट जरूरी नहीं है कि हम एक एक्टिविस्ट बने हम चैरिटी बिगिन एट होम। हम अपने आसपास ये सारी चीज़ें चेंजेस ला सकते हैं वॉट कैन स्टूडेंट्स डू स्टूडेंट्स बिकम मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट क्लब्स स्कूल एजुकेट करें दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फील सरप्राइज कि जैसे आप सब हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इतना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देख रहे हैं जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं यू हैव द पॉलिटिकल नॉलेज हिस्ट्री आपने पढ़ा है फिर भी हम जो ट्रोल्स होते हैं या फिर प्रोपोगेंडा होता है हम उसमें विक्टिम हो जाते हैं हम उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं वी शुड नॉट वी शुड एजुकेट अवर सेल्व बिकम फैमिलियर विद ऑल द थर्टी राइट कंटेंट इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अब ये आज का होमवर्क है इसकी वेबसाइट पे जाइएगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और ये थर्टी राइट्स कौन से हैं जस्ट हैव अ ग्लांस थर्टी राइट्स लर्न अबाउट एंड इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ फेमस ह्यूमैनिटेरियन रीड करें न्यूज रिपोर्ट्स और स्टोरीज और उनको डिस्कस भी करें क्रिएटिव पीस बनाएं अवेयरनेस लाए लोगों में हाईलाइट करें ह्यूमन राइट इशूज और स्टॉप वायलेशन अप करें राइट ऑफ विक्टिम्स सॉलिडेरिटी हैं। हाउ मेनी ऑफ यू राइट दिस लेटर्स टू एडिटर? डू इट ट्राई बिकम एडवोकेट फॉर पीस टॉलरेंस एंड ह्यूमन राइट्स। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो यहाँ पे इस एजुकेशन प्लस के आर्टिकल में लिखा है क्विज क्विज इज गुड जब हम सवाल करते हैं ना तो उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है क्वेश्चन देखना अच्छी बात होती है ट्राई टू सॉल्व the questions. This is practice a priority. Up see. इसका अब हम ये सवाल देखते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी ये ज़रूरी नहीं है फॉर एवरी वन टू बिकम एन एक्टिविस्ट नो हमारे पास दूसरे काम है एज अ स्टूडेंट आपको एक्टिविस्ट बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यू स्टडी बुक्स स्टडी बट जो आपका स्मॉल डोमेन है उसमें हम स्मॉल स्मॉल चेंजेस ला सकते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी वन टू बिकम एन एक्टिविस्ट बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू बी अ डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट ट्राई टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू फॉर टू डे ऑल राइट ऑलवेज रिमेंबर ट्रू हीरोम इज रिमार्केबली सोबर ऑल राइट नाउ नेक्स्ट इज कल्चर एंड पीस ये एडिटोरियल है इसमें इंडिया ने स्टैंड लिया है अगेंस्ट यूएन सेलेक्टिविटी ऑन रिलीजन्स गेन फोर्स फ्रॉम इट्स सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म दो टाइप के होते हैं एक सेक्युलरिज्म जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि जो स्टेट है और रिलीजन है ये दोनों सेपरेट आइडेंटिटी है दोनों को मिक्स नहीं करना है इंडियन सेक्युलरिज्म पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म होता है ये बोलता है हम सारे रिलीजन के प्रति एक समान दिस बिहेवियर रहेगा इक्वालिटी रहेगी हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे दैट इज़ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जो इंडिया में फॉलो होता है इंडिया का अभी अब इंडिया ने यहाँ पे ये पॉइंट रेज किया कि से नो टू पोलराइजेशन कल्चरल एक्सेप्टेंस कल्चरल एक्सेप्टेंस यू नो वाई बिकॉज सेवन पॉइंट एट थ्री बिलियन पीपल आर देयर टोटल एक सौ चार बिलियन पीपल वर्ल्ड में आ चुके हैं एक सौ चार में से समार्न अभी प्रेजेंट में सेवन पॉइंट एट थ्री बिलियन पीपल है सेवन पॉइंट एट थ्री बिलियन यूनिक कल्चर्स भी हो सकते हैं तो वी नीड टू हैव दिस कल्चरल एक्सेप्टेंस यू का एक अभी रिजोल्यूशन आया था यू एन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन ऑन द कल्चर ऑफ पीस तो इस रिजोल्यूशन में क्या होता है ये स्पेसिफिकली सेलेक्टिवली कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में ही बात किया है इन्होंने जैसे सेलेक्टिविटी थी टू प्रोटेक्ट अब्राह्मनिक रिलीजन जैसे कि अब्राह्मनिक रिलीजन ये तीन है इस्लाम क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म तो इंडिया ने रेज किया कि केवल अब्राह्मनिक रिलीजन नहीं बाकी जो दूसरे रिलीजनस हैं उनके बारे में भी हमें दिस ये जो वैल्यूज़ है कल्चरल एक्सेप्टेंस और जो वरीज हैं उसको रेज करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज़्म हिंदुज्मसेट्रा सिखिज़म एट्सेट्रा तो इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक होना जरूरी है दिस शुड बी द क्राइटेरिया ये यहाँ पे बात किया है अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस टेनुअस टैक् सी आर का रोल डिलीवर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है बिकॉज डिफिकल्ट चॉइस लेनी पड़ती है एक तरफ तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है दूसरी तरफ हमें इकोनॉमिक रिकवरी भी करनी है तो ऐसे में हम क्या चूज करें देर आर नो क्लियर कट डिसीजन्स लेना बहुत डिफिकल्ट होता है आर ने अभी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि हमें ऑल दो इन्फ्लेशन का टारगेट फोर प्लस माइनस टू है बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक रिकवरी इकोनॉमी का सर्वाइव कराना ज़्यादा ज़रूरी है इन्फ्लेशन को हम बाद में संभाल लेंगे तो प्रायोरिटाइज़ क्या किया तो आर की एम ने प्रायोरिटाइज किया ग्रोथ को

इकोनॉमी स्टिल वेल अंडर वाटर है आउट ऑफ वुड्स नहीं हुई है इंडिकेटर्स दिख रहे हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल दिख रहा है वी शेप्ड रिकवरी की भी बात कर रहे हैं पर इस वी शेप्ड रिकवरी का स्लोप क्या होगा ये भी वी शेप्ड है ये भी वी शेप्ड है दिस स्लोप व्हाट वुड बी द स्लोप लेइंग दोनर्स ऑन सप्लाई डिस्ट्रप्शन अब इन्फ्लेशन बढ़ने का रीजन क्या बताया कि बिकॉज सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गया लॉकडाउन हो गया प्रॉफिट हुई मुनाफाखोरी हुई होल्डिंग हुई जिसके कारण शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हुआ और प्राइस बढ़ गई टैक्सेस हुए इन्फ्लेशन स्पाइरल बट ये ना रीजन सफिशियंट नहीं है टेनवर्स टैक है आर बी आई एबडिकेटिंग इट्स प्राइमरी मैंडेट एबडिकेटिंग मतलब कर्तव्य पालन नहीं हो रहा है प्राइमरी मैंडेट प्राइमरी मैंडेट क्या है एम पी सी इन्फ्लेशन फोर प्लस माइनस टू और इन्फ्लेशन सात परसेंट टच कर रहा है टेनुअस टैक दिस इज़ अ मिराज मिराज एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं मिराज सोल्ड एज अ पेनेशिया पेनेशिया मतलब जो हर चीज़ का सोल्यूशन है फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो रिफॉर्म्स आर नेसेसरी बट रिफॉर्म्स पेनेशिया नहीं है सोल्यूशन नहीं है लेबर कोड्स में अभी सरकार ने जो रिफॉर्म्स लाने की ट्राई कर रही है उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हेल्प होगा बट क्या एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एक्चुअली में वर्क कर रही है ये इस पूरे सेकेंड आर्टिकल में बात किया है मिराज सोल्डर्स पेनेशिया फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर सी यहाँ बात है दो बेसिकली पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं इसमें कुछ पॉलिटिकल अंडर भी है वो हम कट कर देते हैं ये जो दो टॉपिक्स हैं दो पॉइंट्स हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड यहाँ पे बात हुआ कि जहाँ पर दस वर्कर्स से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं किसी जगह पर टेन वर्कर्स से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं ई एंड प्रोविडेंट फंड वहाँ पर होना चाहिए बट कंडीशन क्या हो गई कि टेन वर्कर्स होना चाहिए अब ये कंडीशन के कारण अस्सी परसेंट वर्कर्स लेफ्ट आउट हो जाएंगे वो इस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे तो विच इज द रॉन्ग थिंग तो इस चीज को सरकार ने प्रमोट किया एट द सेम टाइम बिकॉज दे आर प्रमोटिंग दिस तो उन्होंने कहा जो सेस होता था सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए वेलफेयर के लिए डू अवे हो गए हैं सेस बेस्ड वेलफेयर स्कीम से तो एक तरफ तो ये वेलफेयर स्कीम्स का सेस चला गया और दूसरी तरफ ये कंडीशन आई बट विद अ राइडर कि टेन वर्कर्स होने चाहिए अब इससे क्या होगा जो हाउस होल्ड वर्कर्स हैं स्मॉल जहाँ पे दो तीन चार ऐसे अनऑर्गेनाइज में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं एट्टी परसेंट वर्कर्स यहाँ पे लेफ्ट आउट हो रहे हैं सेकेंड मिनिमम वेजेस जो हैं इस पर भी एक कॉमन क्राइटेरिया नहीं बनता है लेबर मिनिस्ट्री ने जैसे बोला थ्री सेवेंटी फाइव रुपी पर डे फ्लोर प्राइस इन्होंने 178 रखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री 202 बोल रही है अ लॉट मोर टू बी डिजायर्ड अ लॉट मोर टू बी डिजायर्ड गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है जो पॉवर्टी है और वर्कर्स हैं वर्कर्स भी जो स्मॉल वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अब मच टू बी डिजायर्ड ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी एंड अ प्रॉमिस ऑफ मिनिमम वेज स्ट्रीट वेंडर्स हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये जो वर्कर्स का हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर कोड्स ला रहे हैं ये एक्चुअल में इतना बेनिफिट देगा नहीं लेबर कोड्स क्या है हैव अ लुक एट प्रीवियस नोट्स दिस टॉपिक वी हैव तो दिस इज फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये एक जो न्यूज है ना दिस इज अबाउट देर इज नथिंग न्यू अबाउट ट्रम्पिज्म 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 क्या है ट्रम्प को यूजुअली ऐसे बोला जाता है बोस्टिंग ज्यादा होती है एयर ज्यादा होती है एंड सब्सटेंस कम होता है देर इज़ नथिंग न्यू अबाउट ट्रम्पिज्म तो यहाँ पर पूरा अमेरिकन सिविलाइजेशन सर्टेन वीकनेस एंड उनका व्यू पॉइंट्स वगैरह एक्सप्लेन किया गया है लेसन जो है हमें वो ये होता है कि ट्रू हीरोइज़म इज रिमार्केबली सोबर सोबर होता है ये आप सिविल सर्वेंट्स में भी देखो दे आर वेरी फ्यू जो नाइन्टी परसेंट सिविल सर्वेंट्स हैं दे आर वर्किंग साइलेंटली साइलेंटली वो अपना काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब ट्रू हीरोइज इज रिमार्केबली

जो गवर्न कर रहा है ना वॉच डॉग जो है उसको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो जाना चाहिए स्टेक होल्डर से अदरवाइज फिर वो उसको गवर्न नहीं कर पाता है राइट right को राइट right, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं बोल पाएगा सो दैट इज़ बाई क्रिटिकल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है वॉच डॉग में दैट इज़ बाय आप जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का पुराना इनका नरोना साहब का भी एक आया रेड बुक वन बुक उसमें इन्होंने चीज़ बोला है जैसे जजेस भी देखते थे वो एक कंडक्ट ना डिस्टेंस रखते थे डिस्टेंस रखते थे पब्लिक से

मेंटेन करना चाहिए क्रिटिकल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स इन इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग वॉचडॉग को ताकि इंडिपेंडेंसी पार्शियलिटी प्रोबिटी ये चीज़ें मेंटेन रहे ट्रू फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एफ आर बी एम अगेन इकोनॉमिक्स का जो ट्वेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ये बहुत अच्छे से लिखा है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एफ आर बी एम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कब बढ़ाने चाहिए इवन उसके लिए डेफिसिट बजट हो तब भी ये करना चाहिए बिकॉज इसमें मल्टीप्लायर आता है इसका थोड़ा एक्सपेंडिचर के बहुत ज़्यादा एक साइकिल चेंज साइकिल चालू हो जाती है और उससे इकोनॉमी को बेनिफिट होता है ट्रू फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग तो यहाँ इस आर्टिकल में यही बात किया है कि जी डी पी ऑल दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टेक्निकली हम रिसेशन में हैं बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ टू बी अप गवर्नमेंट अभी तक काफ़ी कंजर्वेटिव रही है खर्चा करने में ऐसा नहीं करना चाहिए देन दिस इज़ द न्यूज़ चैरियट कांट बी टच्ड ये एक और न्यूज है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अ कपल ऑफ डेज बैक अभी फिर से अपन देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक मैप देखते हैं अपन सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिस्कस करेंगे सी ए एस आई ए आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने बैरिकेड लगा दिए टू प्रोटेक्ट दिस आइकॉनिक स्ट्रक्चर ये ऐसे बैरिकेड लगा दिए ये ये जो है ये कहलाता है रथ टेम्पल चैरियट टेम्पल है सी व्हील्स है दिस इज चैरियट स्ट्रक्चर ऐसे और भी चैरियट हैं जैसे कोनार्क ओडिशा महाबलीपुरम तमिलनाडु और ये हम्पी कर्नाटका अब ये जो चैरियट है ये काब हुआ था हम्पी में हिस्टोरियंस कहते हैं ये रिफ्लेक्ट करता है टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द पैट्रोन जो विजयनगर रूलर्स जो फोर्टींथ टू सेवनटीन सेंचुरी में बनाया था इन्होंने आर्ट एंड इन कल्चर का एन आप पढ़ लो आर्ट एंड कल्चर सीसीआरटी वेबसाइट जस्ट गो थ्रू इट हैव अ ग्लॉन्स मोर देफिश टू टेकल ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन डू दिस थिंग ओके प्रोटेक्टिंग हेरिटेज ऑथोरिटीज पुट अप द बैरिकेड अराउंड द स्टोन चैरियर टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम विजिटर अब ये बड़े दुख की बात है अब क्या बोले यहां पर एवरी टूरिस्ट विजिटिंग द साइट फोटोग्राफ देंसिटिव मोन्यूमेंट एंड टच एज इट उसको ऐसे टच करके देखते हैं कुछ तो उस पर चढ़ भी जाते हैं सम इवन क्लाइंब इट टू टेक देयर फोटोज़ विद द मोन्यूमेंट और इससे क्या होता है मोन्यूमेंट जो होता है वो डैमेज हो जाता है तो दैट इज़ वाई ए एस आई को यहाँ पे ऐसे बैरिकेड लगाने पड़ गए कि आप ज़्यादा क्लोज मत जाओ दीज आर वेरी ओल्ड फोर्टीन एटीन सेंचुरी की ये डैमेज हो जाएंगी सो दिस इज द थिंग अब आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐसा भी लिखा है कि हमें ये जो मोन्यूमेंट्स एंड ऑल है उसको प्रोटेक्ट करना है फंडामेंटल ड्यूटी दिस इज हम्पी पी चैरियट कान बी टच फंडामेंटल ड्यूटी किस कमिटी ने रिकमेंड किया था ये भी बताइए नेवी वॉन्ट्स टू ज्वाइन आई ए एफ इन जेट शॉपिंग कल हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था नेवी डे में कि हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है नेवी वॉन्ट्स टू ज्वाइन आई ए एफ इन जेट शॉपिंग मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटिंग प्रोक्योरमेंट टेंडर विद डेट ऑफ एयरफोर्स अभी फ्लोट करवाया है एस आई ने इमरजेंसी यूज़ की बात किया है कोविशील्ड डी सी जी आई नोट की ज़रूरत पड़ेगी दिस फोर स्टेट्स में यहाँ पे ऐसे पुलिस ने दिस रिकवर किया है सीजर किया है गवर्नमेंट टू प्रमोट आयुष को प्रमोट करेगी आयुष मतलब आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी ट्रेडिशनल जो है हमारे मेडिसिन के आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी प्रोडक्ट को अभी एक और न्यूज़ चल रही है वो है आयुर्वेदा जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरिकल सर्जिकल अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए विंटर क्रॉप है हार्वेस्ट का कहाँ पे हुआ है यह है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा ऑन संडे मध्य प्रदेश रेडी कर रहा है वन लाख मॉल नरिश चिल्ड्रन को ट्रीटमेंट के लिए वेल फूड उन्हें क्वालिटी फूड डिलीवर करना है ट्रम्प चैलेंजेस वोट रिजल्ट्स एट रैली मिस्टर ट्रम्प अभी भी कंसीड नहीं कर रहे हैं ये लास्ट डिच एफर्ट है टू सेव ब्रेग्जिट ट्रेड टॉक फ्रॉम फेलियर ब्रेग्जिट हो रहा है ब्रेगजिट हो रहा है देन बोरिस जॉनसन इंडिया भी आ रहे हैं इस इस पे टैब रखना है आई आर दिस इज इंपॉर्टेंट देन दिस इज चाइना मेक्स प्रिपरेशन फॉर रोल आउट ऑफ वैक्सीन वन मिलियन रिसीव्स एक्सपेरिमेंटल डोजेज ये एक नया न्यूज आया है कि माइक्रोवेव एनर्जी का अटैक हुआ यूएस पर्सनल में क्यूबा एंड चाइना में अनोन इलनेस उनको वहाँ पे हो रही है देन दिस इज शो केज अनकंडिशनल लव इज़ अनकंडीशनल डजन काउंट क्रोमोजोम्स एंड दिस इज डू देवी लिफ्टिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फ्रॉम होम हुआ ऐसी मैनी ऑफ फ्रेंड्स कंप्लेन करते हैं कि दिस वेट गेन हो गया है एंड दिस अनहेल्दी लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज डू दिस एक्सरसाइज एक्सरसाइज डू दिस एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज एट होम भी पॉसिबल है टेक आउट टाइम एंड एक्सरसाइज एवरीडे टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी टेनेट इंडिया में रिलीज हुआ क्रिस्टोफर नोलॉन ऑल दो मूवी इतने अच्छे फीडबैक रिव्यूज आए नहीं है इसके देन नाव अ पॉलिसी फॉर रोबोटिक सर्जरी दिस इज रोबोटिक सर्जरी आई आर डी ए नॉर्म्स में इसको अलाउ कर रहा है रोबोट्स अब ह्यूमन्स बन रहे हैं और दिस इज द आयरनी की ह्यूमन्स रोबोट बनने की कोशिश कर रहे हैं इनटेंजिबल लाइक इंश्योरेंस इट सेल्फ नवम्बर लूज फॉर गोल्ड और इंडिया सोर्स टू जीत गए दिस फाइनली गुड एंड दिस सीजन ऑनर आई तो दिस इज स्पोर्ट्स इंडियन एक्सप्रेस में आए तो आफ्टर फाइजर पुणे की लैबने का इमरजेंसी यूज ऑफ होना चाहिए ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन का गुड थिंग दैन दिस इज फार्मर बिल और ये सिटी न्यूज है नेट गेन ये जो है ना दिस इज फ्रॉथ दिस इज पॉल्यूशन यमुना में नियर ओखला बैराज दिस इज पॉल्यूशन देन ये एक आज एक्सप्लेन लाइव में शाम को होगा ये ट्वेल्थ ऑफ दिसंबर को होगा सेवन पी पे इंडिया यू एस अंडर जो बाइडन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज ट्रम्प से क्या कॉन्टीन्यूटी होगा और चेंज क्या पॉसिबल है ये मिस्टर अरुण सिंह रहेंगे फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स और इन सब बातों पे ये डिस्कशन होगा विल विल है फॉलो अप दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सी न्यूज़पेपर पढ़ने का ये फायदा है अब ये क्या है न्यूज़ टैम्पलेट है नैनीताल ने नैनीताल ने डिप्लॉय किया डोलीज टू बूस्ट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ये चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं इसको प्रमोट करना बट ये हो नहीं पाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमारे यहाँ एम एम आर के फिगर भी ठीक नहीं है आई एम आर भी ठीक नहीं है रीज़न इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं और उसमें जोग्राफिकल चैलेंजेस भी आते हैं तो ये कितना इनोवेटिव है एक मेक शिफ्ट डोली बनाया है विद अ कॉट और प्रोग्राम लॉन्च इन रिमोट विलेजेस विथ पुअर रूट्स और ये नेशनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल भी है नोट डाउन दिस थिंग और इसको यूज़ करना है केस स्टडी में इस एग्जाम्पल को ये एडिटोरियल है डेमोक्रेसी ट्यूटोरियल्स हैं दिस डेमोक्रेसी ट्यूटोरियल्स दिस इज क्लियर द स्मोक यू में दिस यूनाइटेड नेशंस एंड ये काफ़ी अच्छा टेक है मेक पंजाब ग्रेट अगेन सी मैंने अभी जैसे आपको शुरू में बताया आप इतना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देख रहे हो टेक्निकल आपको चीज़ें पता है जोग्राफी हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स भी पता है हमें जो सोशल मीडिया सोशल इंजीनियरिंग होता है इसमें विक्टिम नहीं बनना चाहिए जैसे यहाँ पे कुछ काउंटर पॉइंट्स दिए हैं कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी है तो एज एन लाइक एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड नो प्रो पॉइंट्स एज वेल एज़ कौन कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने की कोशिश करनी चाहिए अब सी अगर हम पंजाब इन पर्टिकुलर की बात करें तो पंजाब में जो प्रोटेस्ट भी हैं अभी फार्मर प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया में भी है उसमें मेन प्रॉब्लम है एम और ये ओपन प्रोक्योरमेंट की पॉलिसीज अब इनका जेनेसिस कहाँ पे हुआ आपको पता है एम और ओपन प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसीज आई थी ये तब आई थी जब हम शिफ्ट टू माउथ कंट्री थे शिफ्ट टू माउथ कंट्री थे और हमारे पास प्रॉपर फूड ग्रेन एंड ऑल अवेलेबिलिटी नहीं होती थी ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले की पॉलिसीज़ है एम कभी भी चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो लीगल राइट right कभी भी नहीं रहे ओपन प्रोक्योरमेंट भी इसलिए किया जाता था ताकि फूड शॉर्टेज वगैरह है सपोर्ट देना है दैट इज़ बाई हमने ये किया ये पॉलिसीज तब की है अब स्टेट नीड्स अ पैकेज टू हेल्प फार्मर्स डाइवर्सिफाई आउटपुट एंड ओवरकम एम ट्रैप सो ये जो एम ट्रैप है ये जो भी एक गुड थिंग होती है उसका एक टाइम विंडो रहता है यूटिलिटी होती है इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए अब ये तो है आज से थर्टी फोर्टी ईयर का स्टोरी अगर आज की बात करें तो फूड कोऑपरेशन इंडिया ओवर स्टॉक्ड है सफिशेंट फूड अवेलेबिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज अब हमारा डॉलर फाइव सेवेंटी फाइव बिलियन टच कर रहा है तो क्या आज से थर्टी फोर्टी ईयर्स की पॉलिसीज को टू थाउजेंड ट्वेंटी में कंटिन्यू करना इज अ राइट थिंग और नॉट सेकेंड ये एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का इसमें यह होता है कि ओल्ड और इनएफिशेंट जो है फंडामेंटल लॉ है बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इनएफिशेंट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जैसे नेचर भी क्या करती है जो चीज़ इनएफिशियंट है वर्कआउट नहीं कर रही है उनको फिर हमें सिस्टमेटिकली ऑल्टरनेट फाइंड करना चाहिए सो दैट इज़ वायर रिफॉर्म्स आर नेसेसरी अब हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है जैसे हमने गरीबी उन्मूलन फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में हमने इसके बारे में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि गरीबी उन्मूलन इज अवर क्राइटेरिया बट हम उसके साथ अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इवन 2020 में हम उसको सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाए सिमिलरली फार्मर्स में भी हमने बात किया इनकी इनकम डबल होगा रिफॉर्म्स आएंगे प्रॉस्पेरिटी आएगी बट जो एम हुआ ओपन प्रोक्योरमेंट हुआ ये काइंड ऑफ सब्सिडी कल्चर दिखाता है काइंड ऑफ हेल्प पैकेज रिलीफ पैकेज दिखाता है ये तो द पॉइंट इज कि ये कंटिन्यू हो या नहीं हो दैट इज़ वन थिंग द पॉइंट इज कि हम इसको सेल्फ सफिशेंट वायबल इकोनॉमिकली प्रोस्प्रस क्यों नहीं बना पा रहे फंडामेंटल रीजनस क्या हैं उसके अब उसका एक रीज़न ये भी है कि जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स थे वो प्राइमरली दिस केवल दो ही क्रॉप जानते हैं एक होता है राइस दूसरा है वीट इन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया और साउथ इंडिया में आंध्रा तमिलनाडु केरला में क्रॉप काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई हुआ हाई वैल्यू क्रॉप लाइव स्टॉक हुआ जैसे पोल्ट्री डेयरी फ्रूट्स वेजिटेबल्स स्पाइसेस फिशरीज इवन वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश में ने भी स्कोर बेटर किया है ओवर पंजाब इन दिस रेस्पेक्ट तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं है हम कंटिन्यू कर रहे हैं दिस एम एस पी प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को और दिस मोनोक्रॉप को और इससे यहाँ के फार्मर्स का भी नुकसान हुआ है क्रॉप ग्रीन रिवॉल्यूशन कंप्लीटली एक सक्सेस स्टोरी भी नहीं है इसने बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज भी किया है सी राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर पंजाब फार्मर्स वॉन्ट टू इंक्रीज देयर इनकम सिग्निफिकेंटली डबल या ट्रिपल करें तो जरूरी है वेव्स कल फाइव मिनट इंग्लिश में पढ़ा था चेंज विथ टाइम ग्रेजुअली मूव अवे फ्रॉम एम एस पी बेस्ड व्हीट एंड राइस टू हाई वैल्यू क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक डिमांड करें जिनकी थ्री टू फोर फाइव टाइम्स इंक्रीज हो गई है द पॉइंट इज ये आर्टिकल अशोक गुलाटी साहब ने लिखा है चेयर प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर आई सी आर आई ई आर में पॉइंट्स इनके ये हैं कि मॉडर्न मॉडिफिकेशन एंड चेंज इज रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड मेक पंजाब ग्रेट अगेन और हम किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट दैट थिंग एज वेल जैसे फार्मर प्रोटेस्ट है यू शुड नो कि किस बात पे प्रोटेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ क्या टर्म होता है हम यूजुअली पॉपुलिज्म को सपोर्ट करते हैं एक्चुअली में वो चीज़ वर्कआउट हो रही है या नहीं हो रही है वी शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव इन दिस थिंग ओके मेक पंजाब ग्रेट अगेन सो दिस इज दीज आर द पॉइंट दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स इफ यू गेट टाइम इंडियन एक्सप्रेस का दिस आर्टिकल हैवे रीड बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमें केवल प्रो पॉइंट्स पता होने चाहिए हमें प्रॉब्लम का रूट कॉज भी पता होना चाहिए और जो प्रोटेस्ट का थ्योरी है इसमें भी आई हैव टोल्ड यू सीन सो मेनी प्रोटेस्ट डू नॉट गेट कैरड अवे बाय एनीथिंग ऑब्जेक्टिव होना जरूरी होता है दिस थिंग ओके इन अ न्यू क्लाइमेट इंडिया मस्ट फोर्ज कोलेशन विद लाइक माइंडेड नेशन ऑन क्लाइमेट चेंज वेरी गुड आर्टिकल अगेन इन अ न्यू क्लाइमेट लाइक माइंडेड नेशन के साथ क्लाइमेट इसमें भी दो चीज़ें हैं कॉमन बड डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी सी बी डी आर कॉमन बड डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल इंडिया को इन दो चीजों पर फोकस करना चाहिए नेशनली डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन और पैरिस क्लाइमेट फिर से अभी फोकस में आ रहा है बिकॉज बाइडन इज कमिंग बैक न्यू मैप ऑन द एंड ऑफ ऑयल एज आज का इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं इन फॉर्म डिबेट ग्रीन रियालिटी चेक सी नीदर गवर्नमेंट नॉर प्रोटेस्टिंग फार्मर्स रिकोगनाइज द चैलेंज ऑफ डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सिस एंड क्लाइमेट क्राइसिस ग्रीन रियालिटी चेक स्टबिंग आउटिस दिस इज ई सिगरेट सिगरेट इज सिगरेट ई सिगरेट वगैरह सब सेम ही होता है नेचर मतलब सेम इन द ऑल आर हार्मुल नेचर ऑफ़ इकॉनमिक रिकवरी इकॉन ये आर्टिकल भी अच्छा है नेचर ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी वी शेप्ड होगी तो क्या जरूरी होगा मैप में आज हम देखते हैं ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है भसन चार रोहिंग्याज आर बींग सेंड अ न्यूली सरफेस्ड आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में सी ये कहाँ पर है ये है इंडिया ये सुंदरबंश है सुंदरबंश को सुंदरबंश क्यों बोलते हैं बिकॉज सुंदरी ट्रीज हैं सुंदरी ट्रीज कौन से होते हैं दिज सॉल्ट रेजिस्टेंट दिस मैनग्रूव्स होते हैं ये सुंदरबन सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है सुंदरबन और ये मैनग्रोव के जो ट्रीज़ हैं ये इकोलॉजिकली बहुत सिग्निफिकेंस है बैरियर की तरह काम करते हैं स्टॉम एंड डिस्ट्रक्शन एंड सॉइल कंजर्वेशन सो मेनी यूटिलिटी सुंदरबंस सुंदरबंस का कुछ पार्ट इंडिया में है ज़्यादा पार्ट बांग्लादेश में है यहाँ से ये बांग्लादेश चालू हो जाता है ये हुगली रिवर यहाँ पर है और फिर गंगा इधर आएगी फिर इधर आएगी मेघना रिवर बनेगी ब्रह्मपुत्र आएगी तो दिस इज मेघना रिवर ये है ढाका दिस इज ऑल डेल्टाइक रीजन ये डेल्टा है पूरा और ये नोआखली है दिस इज सैंडवीप एंड चिटगा एंड दिस इज कॉक्स बाजार यहां बहुत सारे आइलैंड्स इमर्ज होते हैं बिकॉज क्या होता है सेडिमेंट्स का फ्लो हो रहा है तो आइलैंड फॉर्मेशन होता है ऐसे ही ये एक आइलैंड है दिस भाषण चार अब ये थर्टी नाइन किलोमीटर डिस्टेंस है नोआखली और मेनलैंड फोर्टी स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है टू थाउजेंड सिक्स में ये सरफेस हुआ था सी पे इतने नंबर ऑफ पीपल कैन ये अकोमोडेट कर सकता है अब रोहिंग्याज हमें पता है म्यांमार रिफ्यूजीज बांग्लादेश बांग्लादेश ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ओवर क्राउडेड है तो बांग्लादेश इज ट्राइंग टू सेंड रोहिंग्याज इन टू दिस भाजन चार आइलैंड न्यूली इमर्ज आइलैंड तो दिस इज द मैप ये मैपिंग अक्सर प्रिलिम्स में ऐसे सवाल आ जाते हैं मैपिंग रिलेटेड ओके सो दिस इज द एरिया सो आज हमने देखा दिस मैप रोहिंग्या एंड दिस आईलैंड न्यू आईलैंड ये है मेक पंजाब ग्रेट अगेन हमें प्रोज भी पता होने चाहिए कॉन्स भी होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए देन दिस इज नेट गेन गैलरी हम्पी चैरियट फंडामेंटल ड्यूटी मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना मिराज अनऑर्गेनाइज सेक्टर टेनुअस स्टैक कल्चर एंड पीस एजुकेशन एंड करिकुलम ये चीज़ें एलिफेंट कॉरिडोर और ये सवाल है स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड पीपल पब्लिक पार्टिसिपेशन So this is 7th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.